So welcome back to your English class. Today in this class we are going to start our question and answers. We will explain question number 3. As you can see in the book on page number 35, what did the child hear? Third question is there. What did the child hear? What did the child hear? The child heard a soft, sweet, and clear song. Good morning, sir. जो बच्चे लेट क्लास ज्वाइन करते हैं, मैंने उनको बोला है जब टीचर पढ़ाना शुरू कर देते हैं तो बीच में नहीं बोलना है. ओके, यस. द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर साउंड. द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर साउंड फ्रॉम द शेल. सर आपने सॉफ्ट के आगे क्या लिखा है? आई एम गोइंग टू रीड द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट स्वीट एंड क्लियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल. पुट योर मोबाइल फोन्स हॉरिजॉन्टल. मोबाइल फोन्स जो है अपने अपने हॉरिजॉन्टल रखिए, तब आपको पूरा बोर्ड दिखाई देगा. सो दैट यू कैन सी होल बोर्ड, होल राइटिंग. डन सर. डोंट से डन, जस्ट शो मी थम्स अप. यस. सर साइड प्लीज. आई एम एट द साइड, मैं साइड में ही हूँ. सर आपने रोहिणी व्हाट हैपेंड? कुछ नहीं, सब पूछने वाली थी. आपने कल 1 पढ़ा दिए थे. यस यस यस. फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन ऑलरेडी डन, द थर्ड क्वेश्चन रिमेन. सो इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस. ओके, यस, वी डिस्कस हियर. व्हाट डिड द चाइल्ड हियर? द चाइल्ड हर्ड अ सॉफ्ट sweet and clear song from the shell. Very good, Sanvi. Drisha, very good. Write fastly. Write fast. As fast as you can. Jitna ho sake utna fast likhiye. Done, sir. Very good, very good. Answer. Very good. Now nobody will say done, done. Just show me thumbs up. Bas thumbs up dikhayenge. Yes, very good. Sir, mera hua. Yes. सर मेरा आंसर नहीं हुआ. Who is there? सर मेरा आंसर नहीं हुआ. रोहिणी. सर मेरा आंसर नहीं हुआ. Right, right, fastly बेटा. सर मैंने बोला. Okay, I'm going to write this again. The child. I am the child. Heard. Heard. Of. Of. Sweet. Good morning, sir. And clear song from the shell. Write fastly. Question is already given in your book.
सो व्हाई आर यू टेकिंग सो मच टाइम? राइट फास्टली. द चाइल्ड हर्ड अ सॉन्ग स्वीट डियर सॉन्ग फ्रॉम द शेल. डन सर. यस वेरी गुड. पेज नंबर कौन सा है? नाउ आफ्टर दिस क्वेश्चन वी विल डिस्कस अबाउट राइमिंग वर्ड्स. सो राइट अ टाइटल राइमिंग वर्ड. वी आर गोइंग टू राइट सम राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम. First group of word is found, sound, found, sound, hold, hold, found, sound, hold, bold, and Stand. You will write this only, okay? Mummy, tummy, look. सर ये जो आपने सी सोन के ऊपर लिखा है वो क्या है? Where? Who is asking me? आनिया बेटा, यहां से नीचे ही लिखना है आपको. ऊपर लिखा है मैंने सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इंग्लिश, वो लिखने की जरूरत नहीं है. यहां से लिखना है आपको राइमिंग वर्ड्स. यू विल राइट फ्रॉम हियर राइमिंग वर्ड्स. फाउंड Sound, hold, bold, hand, yes, sir. hand, mummy, tummy, took, look, look, took. Okay, I am going to add here some another rhyming words. Just look at here. Think, link, think. Link. Same. Same. Came. Same. Write fastly. Write fast as you can. Pick. Sick. Pick. Sick. सर बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा. बोर्ड इज क्लियर आनिया. ऑल द स्टूडेंट्स कैन सी. बोर्ड इज विजिबल. सर थोड़ा कैमरा राइट साइड लो. यस थिंग थिंग कैमरा थोड़ा राइट साइड ले लो सर. यस स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चों ने मोबाइल अपने ऐसे रखे हैं ना, ऐसे ऐसे रख के जितने भी बच्चे देख रहे हैं वो पूरा बोर्ड नहीं देख पाएंगे. सो दैट एट द बिगिनिंग ऑफ द क्लास आई टोल्ड यू कीप यू योर मोबाइल फोन्स हॉरिजॉन्टल. ऐसे मोबाइल रखने हैं. स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे मुझे ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि बोर्ड पूरा नहीं दिख रहा है, वो सारे बच्चे ध्यान दे पहले कि अपने मोबाइल ऐसे रखिए और मोबाइल में जो रोटेट स्क्रीन वाला ऑप्शन होता है वो ऑफ कर दीजिए. आई रिक्वेस्ट टू ऑल पेरेंट्स हु आर देयर, ओके प्लीज हेल्प योर वर्ड. मोबाइल फोन अपने अपने हॉरिजॉन्टल रखने हैं और मोबाइल स्क्रीन रोटेट स्क्रीन वाला ऑप्शन ऑफ रखना है. यस प्रियम प्लीज. अब पूरा बोर्ड दिख रहा है प्रियम यादव? सर उधर है अपने थम्स अप. यस वेरी गुड. ऐसे ही आपको हर एक क्लास अटेंड करनी है. अभी भी इशिता का, मिताली का बोर्ड,
सॉरी मोबाइल ललिता रोहिणी, इन तीन चार बच्चों का जो कैमरा है मोबाइल है अभी भी वर्टिकल रखा हुआ है। तो आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज पुट योर मोबाइल फोन हॉरिजॉन्टल सो दैट यू कैन सी होल बोर्ड। एज यू कैन सी ऑन द बोर्ड वी आर डिस्कसिंग हियर राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोयम फाउंड साउंड कोल्ड बोल्ड हैंड सैंड मम्मी टमी लुक टुक थिंग साउंड लिंग केम सेम फिट सिक थिंग थिंग। ear hear ear hear ear light पूरा mice nice mice नाइस राइस and the last word is shell tell shell tell डांसर क्लियर आनिया बेटा ये आपके यहाँ के दिखाई नेटवर्क की प्रॉब्लम है ना। नहीं बाकी बच्चों को सब दिखाई दे रहा है आनिया नोबडी विल डिस्टर्ब असीम मोहिनी म्यूट योर माइक असीम विकास यस राइमिंग वर्ड्स पाउंड साउंड कोल्ड बोल्ड हैंड सैड मम्मी टमी लुक टुक थिंग लिंग केम सेम टिक टिक सिंग थिंग ईयर हियर नाइस माइस शेल टेल। ओके सो लेट्स डिस्कस अनदर क्वेश्चन। सॉरी जो लास्ट वाला है वो मत Write fastly and wait for others. साइड वाला है ये मत बेटा Write fastly, Ania. You are taking too much time, beta. After the rhyming words, we are going to write some opposite words from the poem. It is already given on page number 35. Okay. Ania, write fastly. आनिया राइट फास्टली कैमरा को थोड़ा लेफ्ट कीजिए। सम वर्ड्स आर ऑलरेडी गिवन इन द बॉक्स व्हाट वर्ड आर विच वर्ड्स आर गिवन हॉट वेंट फॉल स्मॉल शॉर्ट गेव स्ट्रेट आउटसाइड ड्रॉप बीटर सॉफ्ट एंड लॉस्ट सम वर्ड्स आर गिवन इन द bracket or box you can say. So what we have to do here, we have to correctly match you, we have to correct match. Okay, we have to match it correctly with the correct pair. Yes, so I am going to write here found lost found lost hard soft
हार्ड सॉफ्ट इनसाइड सकते हैं। आउटसाइड इनसाइड आउटसाइड टुक गेव टुक गेव बिग स्मॉल एंड द लास्ट वर्ड इज केम वेन. नाउ हियर वन इंपॉर्टेंट थिंग वी विल डिस्कस सो राइट फास्टली. राइट फास्टली आनिया डांसर 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 वेरी गुड वेरी गुड डांसर सबके पहने पहने काम कर रहे डांसर डांसर डोंट से डन जस्ट शो मी थम्स अप. सर मैंने इधर वाला नहीं करा था. राइट फास्टली वाला नहीं करा था. साउंड लॉस वो अपोजिट वर्ड्स नहीं थे वो राइमिंग वर्ड्स थे. इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो यस लुक एट योर साउंड लॉस यार ये वाला दूसरा था तो मैंने सोचा वो अपोजिट वर्ड्स. यस यस सर कैमरे को थोड़ा लेफ्ट साइड मत लो. कैमरा एडजस्टेड है बेटा. डांसर 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 सर मेरा नहीं हुआ. राइट फास्टली यू आर टेकिंग टू मच टाइम. आज क्या हुआ है सारे बच्चों को बहुत टाइम ले ले रहे हैं लिखने के लिए. डन सर. म्यूट योर माइक. आई रिक्वेस्ट यू ऑल अप हियर. ईशिता उंजला म्यूट योर माइक. डन सर. Dancer. Yes. So look at the board. Here. Dancer. One important thing which I told you. Okay. Dancer. Let us discuss. Found. It is the second form of find. Ania. Found is the second form of find. Find ka ye second form hai. Found. So we write here lost. Lost is the second form of loss. Okay. Lost, lost, lost. Okay. So here found is the second form of find. So lost is the second form of loss. L-O-S-E, loss. Okay. After this, hard, soft. This is a simple adjective. Inside, outside. Andar, bahar. Took and gave. This also, very important. Listen carefully. Took is the second form of take.
took is the second form of take. So take, give, take, give. But here, sir. So the second form of give is gave. So we write here, wrote here, took, gave. Took, gave. Took, gave. Okay? Just like give and take. Dena, lena, lena, dena. Okay? So took and gave. Another is big, small. These are simple adjectives. So we can write the opposite words. After this here, came, went. Came is the second form of come. Came is the second form of come. Went is the second form of go. Okay, so come, go. Like this way. Come ka hua came. Came is the second form of come. And went is the second form of go. Okay? Understood? Discuss the second form. Where the second form is asked? Yes, sir. That time you will write the second form. Okay? While writing opposite words. If you write here came and then you will write here go, then it is totally wrong. If the question is write opposite of took, then you will have to write gave, not give. Gave. No, Rohini. I'm just explaining, beta. It's simple thing. It is already written, na? Found, it is the second form of find. Lost, it is the second form of loss. Hard, soft. Inside, outside. Took, it is the second form of take. Gave, it is the second form of give. Big, small. Came, went. As I told you, okay, hope you all have understood this. Let's take another question. Another word, which is given on page number 36. As you can see, pick, drop, sir, ye likhna hai. Yes, yes, you have to write this. True, false, curly, straight, curly. Cycling, sir. Cold, hot. Sweet, bitter. And the last, tall, short. Yes, write fastly. You are taking too much time. Aap aaj bahut time le rahe hain likhne ke liye. Right, fastly. Done, sir. Don't say done, done. Arey, Baba, kitni baar bolo. Okay, Atin, now I am going to remove you from the class. Now enjoy. Sir, please. Write fastly. We have written some pairs of opposite words from the poem song. Found, lost, hard, soft, slightly, inside, outside, took, gave, big, slightly, came, went, pick, drop,
ब्रू कॉल कर्ली स्ट्रेट कोल्ड हॉट स्वीट बिटर टॉल शॉर्ट। Complete. Sir, I have done. After completing, just show me thumbs up. Jatin, Pradarsh, Advik, Akshat, Diya, Shreyanshi, Shreyasi, Vikas. Very good. Prachi, Akshit, Akshat, Harshit Rathor, Trisha, very good beta. अच्छे बच्चों की तरह ऐसे सारे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने हैं। क्लास डिस्टर्ब करने में क्या मजा आता है कुछ बच्चों को पता नहीं है ना, सारे बच्चे जो बैठे हुए हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो थोड़ा सा हमें ध्यान रखना है इस बात का। सो फॉलो ऑल द इंस्ट्रक्शंस ऑफ योर टीचर एंड अटेंड योर क्लासेस। यस सर, यस सर। The opposite word, found, lost, hard, soft, inside, outside, took, gave, big, small, came, vain, pick, drop, true, false, curly, straight, cold, hot, sweet, bitter, tall, short. That's it. Done, sir. Yes, very good. Done, sir. Very good. I am going to rub this. Done, sir. Here it is on page number 36. We have another short poem. One stanza. The sea is big. I am going to read after this poem, after this stanza. We have another question. Okay. The sea is big. It is very, very big. You cannot see the other side of the sea. You can cross the sea in a ship, but you must go for many, many days. The sea is big, not big, very, very big. We cannot walk into the sea, हम चल नहीं सकते, but we can travel, but we can cross the sea with the help of ship, S-H-I-P, ship, but you must go for many, many days, लेकिन हमें अगर sea cross करना है, we must go for many, many days, बहुत दिन लगेंगे, okay, so some questions are already given there. In your book, look at the page number 36. First question is there. The sea is very, very. The sea is very, very big or small? Sir, bigger. Bigger. Write the answer there in your book. Write answer in your book. Yes. The sea is very, very big. Sir, likhna hai. Sir, ye likhna hai. No. Complete all this in your book first. Complete all this in your book first. Pehle apne apne book mein likh lijiye. After the class, you will write in your copy. Understood? Yes. Another question. Sir, page number कौन सा है? Page number 36. You sir, cannot. Sir, लिखना है ये. Sir, page number कौन सा है? Page number 36. Page number 36. Sir, ये लिखना है. बुक में लिखना है रोहिणी। सर
मेरी बुक में हो रखा है, बुक में लिख के फिर बाद में कॉपी में। वेरी गुड वेरी गुड, तो अच्छी बात है। आफ्टर द क्लास यू विल राइट इन योर कॉपी, क्लास होने के बाद अपने बुक में कॉपी में लिखेंगे आप। यस ऑफ द सी, सर मेरी बुक में हो रहा है। अनदर क्वेश्चन, यू कैन कुंजला प्लीज म्यूट योर माइक। कैन नॉट सर, कैन नॉट, यू कैन नॉट, कैन नॉट सर, कैन नॉट, नो नो नो, यू कैन क्रॉस द सी, यू कैन क्रॉस द सी, हम सी तो क्रॉस कर सकते हैं ना सर, कैन, यस यू कैन क्रॉस द सी विद द शिप, एंड द लास्ट सर कैन, यस यू कैन क्रॉस ए सर शिप इन अ सर शिप, सर शिप, यस वेरी गुड, यू कैन सर शिप, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, सर शिप, सर ये यू वाला बच्चा है, यू कैन क्रॉस इट इन अ शिप, शिप SHIP ship, okay, so that's it, look at the board, the sea is very very big, you cannot see the other side, you can cross the sea, you can cross it in a ship, okay students, so hope you all understood this. सर ये आपने थर्ड वाला नहीं कराया, विच वन, यू वाला, यू कैन क्रॉस द सी, इट इज थर्ड, सारे क्वेश्चंस हो गए हैं, ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, ऑल हैव अंडरस्टूड दिस सर, थैंक यू वन एंड ऑल फॉर बाय बाय।